हमारे बीच में शिक्षा जगत के एक ऐसे युवा जो राजस्थान के इतिहास में सबसे कम उम्र में एक डायनामिक अफसर के रूप में जिसने शिक्षा के नवाचारों में पिछले दिनों जो 2017 का बैच आईएएस का आया उसमें अधिकतर प्रतियोगी जो सेलेक्ट हुए आईएएस में उनका ये कहना था कि राजस्थान की शिक्षा में जो नवाचार हुए वो राजस्थान के पृष्ठभूमि के कैंडिडेट से यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए। ये बहुत बड़ी सफलता एक युवा अफसर की है, बहुत बड़े नवाचार वहाँ के हैं कि राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को नवाचार के रूप में पूरा देश देख रहा है। आइए उस नवाचार के प्रणेता के रूप में आपके अपनी माटी के नागाने की पावन माटी डीडिया गांव के आदरणीय नथमल जी डिडेल साहब, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, अपनों के बीच अपनी माटी पर जिनका अभिनंदन है और जिन्होंने इसी साल लगातार 2-3 नेशनल वॉलीबॉल और खो खो की प्रतियोगिताएं करवाकर 63 साल के इतिहास में राजस्थान के बॉयज को गोल्ड मेडल और बच्चियों को सिल्वर मेडल देकर सीधी खेल कोटे से नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे बहुत से उपलब्धियों और नवाचारों के सारथी हम सब के आदरणीय श्री नथमल डिडेल साहब पधारे और हम सब के बीच में आपका प्रेरणादायी उद्बोधन इस मंच को। इस गरिमामयी वार्षिक उत्सव पर मंच पर विराजमान श्री सत्यपाल सिंह जी मलिक साहब, महामहिम राज्यपाल बिहार, उनके साथ ही मंच पर विराजे इस संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजीव जी, उनके साथ ही विराजे जिला प्रमुख जोधपुर, जिला प्रमुख पाली, उद्योगपति नवल जी और मंचासीन अतिथिगण के साथ साथ इस पंडाल में जिला प्रशासन नागौर, पुलिस एवं आसपास के गांव से पधारे हुए मेरे गुरुजन, परिवारजन और मेरे सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं भी महामहिम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अति व्यस्त के शेड्यूल से समय निकाल के इस मारवाड़ की धरती के लिए समय दिया। इस संस्थान के वो सभी संस्थापक और उनका परिवार और वो टीम, उसको मैं नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने मारवाड़ की इस धरती को चुना और यहाँ एक ऐसा संस्थान की नींव रखी, इसकी स्थापना करी, जिसके साथ, जिसकी वजह से, जिसके सहयोग से हम लोग न केवल मारवाड़ बल्कि राजस्थान की किसानों की, गरीबों की और मध्यम वर्ग, अल्प वर्ग के आय की उन घरों की बच्चियों को वो उच्च स्तर की शिक्षा दे सके जिसके माध्यम से वो बालिकाएं भी न केवल शिक्षा में बल्कि खेलकूद और अन्य सभी क्षेत्रों में भी न केवल राज्य स्तर पर बल्कि भारत एवं विश्व स्तर पर अपना नाम कमा सके, अपने लिए एक ऐसा करियर बना सके जो उसकी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब रहे। मैं उन सब संस्थापकों को नमन करता हूं, उनके इस सपने को, उनके इस दिव्य दृष्टि को नमन करता हूं। शिक्षा में जिस प्रकार अभी एचआर किवाड़ा जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बहुत ही सकारात्मक लीडरशिप में राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का सपना देखा है और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगभग 5,000 स्कूलों को कर्मोन्नत किया है। इस कर्मोन्नति के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि हमारे गाँव में जो बच्चे 8वीं या 10वीं के पश्चात किसी बड़े शहर में या अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं, उन बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिले। स्कूलों की कर्मोन्नति के साथ साथ शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया ने अधिकतम भर्तियों की अनुमति दी है, जिसमें 17,000 लेक्चरर, अभी थोड़े दिनों के बाद में 11 फरवरी को 35,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक, अभी 9,000 सेकेंड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, तो सबसे अधिक अध्यापकों की नियुक्ति मैडम ने दी है, जिसकी वजह से हम इन कर्मोन्नत स्कूलों को और जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है
वहाँ हम इनको भर सकेंगे। इन के साथ साथ जिस प्रकार भामाशाह इस मंच से इस संस्थान को आगे बढ़ाने में काम आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उसी तरीके से पूरे राजस्थान में आज हम करोड़ों रुपए अपनी स्कूलों में मिल रही है, अपने को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें उन सभी माननीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के सभी समाज के आदरणीय व्यक्ति आज स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल को अपना एक परिवार का अंग मानते हैं, अपने बच्चों की भविष्य की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और वो एक सपना रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करके एक योग्य व्यक्ति और एक कुछ कमा सके, अपना करियर बना सके। मैं आप सभी जो आसपास के गाँव से और इस पंडाल में जो पधारे हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ कहीं पे भी आपका बेटा या बेटी, जिसको चूँकि अभी एक बहुत ही मार्मिक कहानी के माध्यम से मैसेज दिया था कि हमें बच्चियों को उतनी ही महत्व देनी होगी जितना हम अपने बेटे को देते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अच्छे संस्थान में उनकी पढ़ाई करवाएं। कृपया करके जब भी वो घर आएँ, उनके साथ आप बैठें कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा IAS बनने के पीछे केवल मेरा अकेले का योगदान नहीं है, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने माता पिता जितना बच्चे को सकारात्मक मोटिवेट करेंगे, उसको ऊर्जावान रखेंगे, उसको सकारात्मक ऊर्जा देंगे, वो बच्चा उतना ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मेरे माता पिता के साथ में वो सभी गुरुजन जिन्होंने मुझे एक दिशा दी, तो उन गुरुजनों से भी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने विद्यालय में बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें और जो मान सम्मान अध्यापकों का पहले होता था, कृपया करके सकारात्मक परिणामों से हम उसको वापस अचीव करेंगे। आप सब लोग पधारे और इस संस्थान की वो सभी बालिकाएं जो छोटी क्लास से लेके कॉलेज में और बाकी सभी क्लासों में पढ़ रही है, उन सबको और जो विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपने करियर में, अपने भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करें और उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें जो आपने मन में संजोया है। और उसके साथ साथ आप बड़े से बड़ा लक्ष्य अपने मन में रखें कि जिस प्रकार आज हमारी एक महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर वन हो सकती है, तो एक दिन आप भी हो सकते हैं। जिस प्रकार संत श्री मिलन जी ने ये बताया कि आपको ये सोचना है कि करने से कौन रोक सकता है, अपने को करने कोई भी लक्ष्य अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप उस लक्ष्य की तरफ सकारात्मक ऊर्जा और अपनी पूरी मेहनत के साथ बढ़े। मैं एज ए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान पूरे राजस्थान को देख रहा हूँ कि हमारी शिक्षा की तरफ न केवल राज्य सरकार बल्कि पूरा समाज भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। आप सबसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारी स्कूलों को आप सब लोग विजिट करें, देखें कि किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो नब्ज है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में किस तरीके से उसका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, हमारे समाज को कैसे सुधार सकते हैं। कृषि, क्योंकि मेरा परिवार भी कृषि से जुड़ा हुआ है, आज के समय में केवल जहाँ सिंचाई हो रही है उसको छोड़ करके कृषि के क्षेत्र में कुछ भी नहीं बचा है। आप जो सबसे पहले खेती के लिए हम शुरुआत करते हैं, बीज बोते हैं, वहाँ से लेकर के घर पे जब तक पूरा अनाज आता है, आप पूरा कैलकुलेशन करें, अपने घर से 5-10 हज़ार रुपये लगते ही हैं। तो कृपया करके अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाएं और इस शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हमारी जनसंख्या एक संसाधन के रूप में हो सकती है, कृपया करके जब हमारा शिक्षित समाज और शिक्षित बच्चे होंगे तो ये वास्तव में हम संसाधन के रूप में काम कर पाएंगे। वीर तेजा शिक्षण संस्थान के इस परिवार ने, इस टीम ने आज मुझे याद किया, बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। शिक्षा समाज की संजीवनी है और उस संजीवनी को संजोने का कार्य आपके निर्देशन में संपूर्ण राजस्थान में हो रहा है।